बेग साहब, क्या कश्मीर में मोदी जी हार गए? मान ले हम ऐसा मुबारकबाद देना चाहूंगा पीएम साहब को। ये ऑनरेबल पीएम साहब की जीत है, विजन की जीत है, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन लाने का विजन। आप कश्मीरी भी हैं, कश्मीरी मुस्लिम भी हैं, और आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा भी है। कश्मीर का कोई भी भरोसा नहीं करता था इलेक्शन के इस प्रोसेस में। रात के 11 बजे आप लाल चौक जाते हैं और ये क्रेडिट किसी को नहीं देते कि हालात कैसे ठीक हुए। पीएम साहब और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये क्रेडिट देना है आपको। बेग साहब, 370 को हटाने को ठीक मानते हैं या 35 साल इन साथियों ने हमारे उन्होंने क्या कर दिया, उसे जहन्नम बना दिया। क्या बड़ा बदलाव है कि मुस्लिम जो वहाँ की आबादी है वो भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है? यकीन मानिए, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लोग इस बदलाव को देख रहे हैं और उसी के चलते वो इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इज्जत कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने 2 जगह पे इलेक्शन जीता, एक को वो वैकेट कर रहे हैं तो उनको बताए जावेद बेग को वहां पे वो टिकट दे दे। चलिए, ये खुला चैलेंज है मेरे राहुल भाई के नाम। मैं मुसलमान हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, एंड आई एम अ प्राउड इंडियन। मैं आइडिया ऑफ इंडिया का खुद कहता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल बाबा, आप वैनाद से या दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से जहां से भी आप वकील करेंगे, आप खुद मेरा नाम वहां पे, आई विल फाइट ऑन योर पार्टीज टिकट, आई विल वर्क फॉर आइडिया ऑफ इंडिया। मैं किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं चलाऊंगा, माई एजेंडा इज आइडिया ऑफ इंडिया, विच इज एक्चुअली आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो नहीं, उनको अपनी पार्टी से पहले वेट कराना पड़ेगा, पीएसी फलाना ढिमकाना, तो ये मजाक को लाते हैं, ये गलत बात है। वो नाराज भी होंगे, मेरे दोस्त है वो, लेकिन आप मजहब को क्यों लाते हो, वर्ग लाते क्यों हो, लोगों को कंफ्यूज क्यों करते हो? हमारे मुल्क में कंफ्यूजन की अब कोई जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। जावेद बेग साहब, मैं आपको बताऊं कि लोगों के जहन में ये डर पैदा किया गया धर्म के नाम पे, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में पार्टी भले कोई भी जीती हो मगर वहां लोकतंत्र जीता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आ गए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। अब आपको पता है एग्जिट पोल से लेकर मतगणना होने तक जो चुनावी माहौल था अब वो फिजा बदल गई है। अब पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अपने ध्यान को जम्मू कश्मीर में जाकर शिफ्ट कर गया है। और जानते हैं क्या कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हार हो गई है। मगर अगर सच कहूं दोस्तों, अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं और मैंने आपको दिखाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की हार मुझे तो नजर नहीं आती। तो मैंने सोचा हमारे साथ एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, जावेद बेग साहब। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, और मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं जावेद बेग साहब। और आपके बारे में ज़रा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये सीधे जेनेवा से अभी भारत लौटे हैं नई दिल्ली, और जेनेवा में जाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में इन्होंने पाकिस्तान को भिगो भिगो कर धोया है। मतलब कश्मीर के मुद्दे पर, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर इन्होंने अपनी बात इस तरीके से रखी कि पूरा पाकिस्तान बेहाल है, पूरी दुनिया की नज़रें इन पर टिक गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात की, इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान पर बात की। लेकिन आज मैं, भले ये नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन मैं इनसे आज थोड़ा पॉलिटिकल चर्चा करना चाहता हूं। बेग साहब, माफ़ी के साथ, गुस्ताखी के साथ, आपने मुझे समय दिया और आप जेनेवा से भारत लौटे और सीधे आपसे बातचीत करने का समय भी मिल रहा है। कश्मीर में आप एक बड़ा चेहरा हैं और इस समय तो पूरे भारत की नज़रों में है, आपने इतने शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कश्मीर में मोदी जी हार गए? मान लें हम ऐसा, जो आंकड़े दिख रहे हैं कि भैया वो सरकार नहीं बना पा रहे इसलिए मोदी जी हार गए, आपके हिसाब से क्या है? फिर आंकड़ों पे भी मैं बात करूंगा, अभी नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। हरीश साहब, मुबारकबाद देना चाहूँगा पीएम साहब को, मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम को।
मुबारकबाद देना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को जी। 35 साल के बाद वहां पे पुरअमन इलेक्शन हुए और इतने जोश और जज्बे से हुए कि उनकी गूंज जी बाकी राज्यों तक गूंज उठी, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। जितने 30-35 साल में वहां लोग दूर थे उतने ही करीब आ गए वो इस प्रोसेस के, जमहूरियत के इस प्रोसेस के जी। तो मुझे बताइए ये कौन सी हार है। मैं मुझे लगता है अगर मुझे आप मेरी जाती राय पूछेंगे ये ऑनरेबल पीएम साहब की जीत है, ये उनके उस विजन की जीत है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन लाने का विजन पिछले 5 साल से इम्प्लीमेंट किया। हमें पॉलिटिकली हमें इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन उन पार्टियों को मैं सलाह देना चाहूंगा जो ऐसा कह रहे हैं कि अगर किसी को कुछ 4-5 सीट कम आई तो उसने इलेक्शन हारा, नहीं ये गलत बात है। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, आप जलेबी खाने का मौका चूक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को दाद देंगे, आप भारतीय लोकतंत्र को दाद दे रहे हैं। यहाँ तो राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो खोजते हैं कि भारत का तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया, भारत में तो चुनाव आयोग बेकार काम करता है। आप सोचिए क्या कहेंगे। आप कश्मीरी भी हैं, कश्मीरी मुस्लिम भी हैं और आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा भी है। मुझे एक चीज बताइए हरीश साहब, अगर जमहूरियत खत्म हो गई होती तो हमारे राहुल गांधी साहब 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं जीतते, तो हमारे अयोध्या से रूलिंग पार्टी इलेक्शन नहीं हारती। बहुत बढ़िया। ये आज के डेट में आप देखिए जो भी वर्डिक्ट सामने आएगा, बहरहाल हमें उस वर्डिक्ट की इज्जत करनी है। जमहूरियत यही है, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के गार्डियंस है, आप और मैं, हमारा मुल्क। इसमें नेगेटिव पॉलिटिक्स मुझे लगता है अब उसकी कोई जगह नहीं है। आपको सच की पॉलिटिक्स करनी है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप नेगेटिव पॉलिटिक्स से समझते हैं कि शायद मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। तो देखिए ये आपने इतनी अच्छी बात कही, मतलब सुनकर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप हरियाणा की बात करेंगे ये लोग तो खैर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर पे ही रहना चाहता हूँ, मैं आंकड़े भी दिखा रहा हूँ। मैंने देखा और आप दर्शकों आपको भी दिखा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सीट भले कम हो बट उसे 25% से अधिक वोट मिले हैं, 25.66% वोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.41% और कांग्रेस को सिर्फ 11.95%। तो वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो भाजपा तो सबसे आगे, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, आपने खुद मैथमेटिक्स कही। पिछले 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को 12 सीट मिली थी, आज कितनी है आपने क्या बोला अभी? 6। पिछले इलेक्शन में 25 सीट मिली थी भाजपा को जी, आज कितनी? 29 सीट है। और कश्मीर में करीब करीब 10 सीट पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जी। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी अच्छा किया, 6 सीट लग नहीं रहा था वो 6 सीट लेकर। अच्छा, ये बिल्कुल उन्होंने भी अच्छा किया लेकिन पिछले से उन्होंने बुरा किया। और इसमें मुझे लगता है हमें आंकड़ों को गिनने के बजाय ये देखना है कि हालत वहां की क्या थी और आज क्या है जी। वहां माहौल कैसा था, आज क्या है? वहां कोई भी जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर का कोई भी भरोसा नहीं करता था इलेक्शन के इस प्रोसेस में। इन इंस्टीट्यूशंस का कोई भरोसा नहीं करता था क्योंकि 87 में जी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कांड किया था उसके चलते, हालांकि हम उसकी वजह से विक्टिमाइज हुए जी, उसकी वजह से लोगों का भरोसा हट गया था जी। तो आज जब भरोसा करने लग गए हैं लोग, इसका क्रेडिट किनको आप देंगे? हमारे राहुल साहब जब कश्मीर आए थे रात के 11 बजे उनने तकरीरें की, रात के 11 बजे आप लाल चौक जाते हैं और ये क्रेडिट किसी को नहीं देते कि ये हालात कैसे ठीक हुए। पीएम साहब और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये क्रेडिट देना है आपको, हालांकि पीएम साहब हमेशा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को क्रेडिट देते हैं जी। राहुल बाबा आप भी किसी को तो देंगे, गलत बात है। अगर आप सच को सच नहीं कह सकते तो आप झूठ को झूठ भी नहीं कह सकते, गलत बात है ये। फिर तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अब अगर आंकड़ों में देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रही है, बहुमत मिल गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चूंकि साथ में ही ये वादा किया है कि 370 हम वापस करेंगे, तो आप इस
इस पूरे प्रोसेस को अब वो कर तो नहीं पाएंगे, ये हमें ही पता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई, मगर ये जो सोच है जिस दिशा में वो आगे बढ़ने वाले हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा इसका? हरीश साहब, अगर वो हुकूमत बनाएंगे, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा एंड माय बेस्ट विशेस फॉर देम कि वो लोगों के साथ जो वादे किए हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन पे खरे उतरे। लेकिन झूठ की सियासत क्यों करनी है बताइए? जिस इंस्टीट्यूशन ने आर्टिकल 370(35)A दिया था जी, उस वक्त की जरूरत थी, तो जिस इंस्टीट्यूशन ने, वो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त जरूरत थी उस वक्त दिया, जिस वक्त जरूरत हटाने की थी उस वक्त हट गया, दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हुआ। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को वेट कर दिया। अब मुझे बताइए कहां पे स्कोप है? फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उसको क्यों नहीं ऐड किया? देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, अपॉलिटिकल हूं, लेकिन तो हम सब के अंदर पॉलिटिक्स है ना। व्यक्तिगत रूप से आप 370 को हटाने को ठीक मानते हैं या नहीं? 370 को बिल्कुल, मुझे लगता है 30-35 साल पहले हटा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% ये, मैं यहां पे नहीं कहता हूं, मैं ये इंटरनेशनल लेवल पे कहता हूं, मैं ये लाल चौक के घंटाघर के सामने कहता हूं, मेरे जम्मू कश्मीर के जो मेरी आवाम है, मेरी फैमिली है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वक्त की नजाकत को देखिए। उस 370(35)A के उस हॉक्स में ये और टाइम बर्बाद करना चाहते हैं हमारा, जिन्होंने हमारे 35 साल बर्बाद किए। आप सब जानते हो कि हमने क्या खोया। आप आज बखूबी समझते हो कि हम जितना कुछ जम्मू कश्मीर के पास था रिसोर्सेज जी, आप आज कहां होते? मैं स्विट्जरलैंड जाता हूं, मैंने बहुत सारे विजिट किए वहां पे, रोना आता है जब मैं स्विट्जरलैंड में लैंड करता हूं। जम्मू कश्मीर, खास करके वादी कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, धरती का स्वर्ग है। आपको जनते बेनजीर का खिताब मिला है कश्मीर को, और 30-35 साल इन साथियों ने हमारे, इन्होंने क्या कर दिया? उसे जहन्नम बना दिया। हजारों की तैदाद में, लाखों की तैदाद में लोग वहां पे मारे गए, बेघर हुए। एक कम्युनिटी आज भी बेघर है, हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी कम्युनिटी जी। तो मुझे बताइए राहुल बाबा, क्या आपने बात भी की उनकी? क्या आपने हरियाणा में 370 की बात की? यह हमारे पूरे देशवासियों को समझना चाहिए। अच्छा, एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में भाजपा है कहाँ। मैंने तो एक सीट है गुरेज, और मैंने देखा, मैं आंकड़ों को देखकर हैरान हो गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, ये जो गुरेज सीट है, यहाँ मेरे ख्याल से 98% मुस्लिम आबादी है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ 1132 वोट से हारे। आप समझिए, तो ये एक क्या बड़ा बदलाव है कि मुस्लिम जो वहां की आबादी है वो भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बिल्कुल हरीश साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप वाली पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल फोर्स है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती है, हमारे मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है जी। भाजपा के काम को देखकर जी, अगर आप उनके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी रखते हो, लेकिन जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए, मेरे कश्मीर में अमन आया, मैं बहुत खुश हूं, मेरे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश है। आपके कश्मीर में 2019 तक आपके हाउस बोट वाले जो 10 पैसे कमाते थे, आपके होटल ओनर बेचारे जिन्होंने कर्जा लिया था, वो डूब रहे थे। आज उनके यहाँ आपके, आपको हाउस बोट में जगह नहीं मिलेगी, 2 महीने पहले आपको बुक करके रखना पड़ेगा। आपके इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग जाते होंगे, वहां पे सिफारिशें डालनी पड़ती है। मुझे बहुत कॉल आते हैं, जावेद भाई हमें हाउस बोट में यार एक नाइट दिला दो, फैमिली आ रही है, हमें वहां फोरशोर रोड पे एक कमरा करा दो। क्या ये बदलाव नहीं है? मुझे बताइए, कल तक जो आपकी वहां पे सिचुएशन थी, यकीन मानिए मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लोग इस बदलाव को देख रहे हैं, और उसी के चलते वो इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इज्जत करते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर, अब ये भाजपा तो सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन भाजपा के जो समर्थक हैं वो सवाल पूछते हैं, मेरे टाइमलाइन में तो बहुत सवाल आते हैं। बहुत सारे एंटी जो बीजेपी पार्टियां हैं वो कहती हैं ये मुसलमानों के खिलाफ काम करती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों भाई, तो किसी को सीट टिकट नहीं देती, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब वो अगर कोई योजना लागू कर रही है, घर की योजना,
या शौचालय, तो वो तो सबको देती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इस धर्म का हम देंगे नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। लोग मानते भी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आप टिकट नहीं देते। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ख्याल से 26 या 28 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दी, लेकिन एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो उनके जो समर्थक हैं उनके मन में बड़े सवाल उठते हैं कि भैया देते क्यों हो। मतलब आप इस सवाल को या इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मैं ये हरीश साहब, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस उठाती है क्योंकि उनके पास मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की राइवलरी शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीजंस। जब आपके पास फैक्ट्स ना हो तो आप किसी भी चीज को पकड़ कर यहां वहां हाथ तो सामने लाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज को पूरा हक है कि वो रूलिंग पार्टी को सवाल करे, बिल्कुल पूरा हक है, लेकिन सवाल जस्ट और जेन्युइन होने चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक लायअमल होता है, वो हर एक चीज को परख के फिर टिकट देती है। हमेशा हर कोई चाहेगा कि उसका कैंडिडेट जीतना चाहिए, वो हारने के लिए किसी को टिकट, कोई भी पार्टी, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, या और कोई समाजवादी पार्टी, बसपा या आम आदमी पार्टी, ये हर किसी पार्टी को लागू होता है। अगर कांग्रेस या बाकी पार्टीज बीजेपी को हमारे मुल्क में ये सवाल करते कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, राहुल गांधी साहब ने दो जगह पे इलेक्शन जीता, एक को वो वैकेट कर रहे हैं, तो उनको बताए जावेद बेग को वहां पे वो टिकट दे दे। चलिए, ये एक खुला चैलेंज है मेरे राहुल भाई के नाम। मैं मुसलमान हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, एंड आई एम अ प्राउड इंडियन। मैं आइडिया ऑफ इंडिया का खुद कहता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल बाबा, आप वायनाड से या दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से जहां से भी आप वकील करेंगे, आप खुद मेरा नाम वहां पे, आई विल फाइट ऑन योर पार्टीज टिकट, आई विल वर्क फॉर आइडिया ऑफ इंडिया। मैं किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं चलाऊंगा, माय एजेंडा इज आइडिया ऑफ इंडिया, व्हिच इज एक्चुअली आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो नहीं, उनको अपनी पार्टी से पहले वेट कराना पड़ेगा, पीएसी फलाना ढिमकाना, तो यही एक प्रोसेस भाजपा की भी होगी, कॉमन सेंस है। अब अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने, कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी, बाकी पार्टियों ने इस गर्ज से मैंडेट दिए कि उनका कैंडिडेट जीत कर आए, उन्होंने बेस्ट अमंग द टॉप उठाया होगा जी। कोई जीत कर आया, कोई जीत कर नहीं आया, लेकिन एक एक इन्होंने एक फसाद तो बनाया है इन पार्टियों ने कि ये अगर आपको मेरिट पे कहीं पे आपको क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे तो ये मजाक को लाते हैं। ये गलत बात है, ये कांग्रेस की एक प्रॉब्लम है जी। वो नाराज भी होंगे, मेरे दोस्त है वो, लेकिन आप मजहब को क्यों लाते हो? आप ऑन मेरिट फाइट करिए ना डेमोक्रेटिक तरीके से। अगर रूलिंग पार्टी और आपको, बिल्कुल एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन आप मजहब को क्यों लाते हो, वर्ग लाते क्यों हो, लोगों को कंफ्यूज क्यों करते हो? हमारे मुल्क में कंफ्यूजन की अब कोई जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। हमारे मुल्क को यूनाइट होना है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित भारत, कैसे हम फिर उन चीजों को, उन उस सपने को, उस खूबसूरत सपने को हम कैसे साकार करें? और जावेद बेग साहब, मैं आपको बताऊं कि लोगों के जहन में ये डर पैदा किया गया धर्म के नाम पे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो डर पैदा कर रहे थे वही दरअसल कम्युनलिज्म का काम कर रहे थे, सांप्रदायिकता वही फैला रहे थे। और इसी वजह से आप देखिए, देश के जिन हिस्सों में चले जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भले जीती हो लेकिन कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर में भी हारी है पिछली बार की अपेक्षा। भाजपा तो सीटें बढ़ा ही है उन्होंने, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में पार्टी भले कोई भी जीती हो मगर वहां लोकतंत्र जीता है, जैसा आप भी मान रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक और सजेशन में देना, बताइए ना राहुल बाबा, जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो आप कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के वर्कर या कांग्रेस के लीडर बनकर नहीं जाते, आप आइडिया ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं। डिफरेंसेस हमारे पार्लियामेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं, बाहर जाकर क्यों आप उस ग्लोबल कबाल का साथ देते हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जो झूठ और प्रोपेगेंडा चलाते हैं आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये आपने इतनी बड़ी, ये मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था हमारे राहुल बाबा को, बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, हकीकत है जी जी, मोदी जी की, सब मेरे मुल्क के जितने लीडर हैं सब, लेकिन हमारे मसले मसाइल, हमारे डिफरेंसेस, हमारे गर्म है, हमारे
जमहूरियत का जो मंदिर है पार्लियामेंट, वहां पे हम एक दूसरे के साथ पूरी जंग छेड़ सकते हैं, सियासी जंग, जमहूरी जंग। लेकिन जब हम बाहर और जाते हैं उस वक्त हम आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सोचिए कि आप भी विदेश जाते हैं और आपने कश्मीरी युवक होने के बाद जो आपने काम किया है वो पाकिस्तान आज भी सहला रहा है, लेकिन राहुल बाबा ने जो किया अमेरिका जाकर या दूसरे देशों में जाकर करते हैं उसके जख्म इस देश पर पड़ते हैं। मुसलमान पे कोई ज्यादती नहीं होती। मैं जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का मुसलमान हूं और मैं इस मुल्क का एक नागरिक हूं, मैं इस मुल्क का एक मालिक हूं। आई से दिस विद अथॉरिटी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में पार्टी चाहे कोई भी जीती हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो लोकतंत्र है वो जीत गया है दोस्तों। और इसीलिए मैंने जावेद बेग साहब से निवेदन किया था कि आपसे जरूर बातचीत करने का अवसर मिले, और आप आए, हमें आपने अवसर भी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।